35 हेक्टेयर में फैला हुआ 62 टाइप्स के करीब प्रजातियां और 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप। अगर आपको एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन देखना है तो भाई कश्मीर चले आइए। श्रीनगर के जबरवान घाटी के फुट हिल्स में लोकेटेड यह ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च 2021 को ओपन हो चुका है और अप्रैल के लगभग एंड तक चलने वाला है। तो इस दौरान अगर आप जा रहे हैं कश्मीर तो भाई इस जगह पर जरूर जाइएगा। और अगर आप इस जगह पर घूमना चाहते हैं और पूरा कश्मीर भी साथ में टूरिस्ट एज अ विजिट करना चाहते हैं तो YT भारत पर बने रहिए। इस वीडियो पर मैं आपको आज कश्मीर का बहुत ही चीप एंड बेस्ट सर्विस के साथ पैकेज बताने वाला हूं, जिसको लेकर के आप कश्मीर जन्नत का पूरा नज़ारा लेने में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और साथ में आप इस पूरी वीडियो पर कश्मीर के वीडियो और फोटो का भी आनंद लीजिए जो हमारे व्यूवर्स ने YT भारत पर सेंड किए हैं, जिनको आप देख करके समझ सकते हैं कि अगर आप भी जाएंगे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी हल्की फल्की वहाँ पर स्नो फॉल भी बनी हुई है जो आपको देखने को मिलेगी और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ अपनी लाइफ के सबसे यादगार पलों को वहाँ पर बिता करके आ सकते हैं। 225 मार्च को जब एक गार्डन खुला तो पहले दिन ही यहाँ पर 4800 लोगों ने विजिट किया और ओपन होने के एक हफ्ते में जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 50,000 से देशी और विदेशी सैलानी यहाँ पर आकर के घूम चुके हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं 15 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे होंगे। फोटो में तो आप देख ही रहे हैं लेकिन जब आप रियलिटी में जाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। दोस्तों आइए आगे वीडियो में आपको बताना स्टार्ट करते हैं इस पैकेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने YT भारत चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करें, साथ ही मिलेगा बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो देखना चाहते हो 350 से ज़्यादा तो YT भारत को करके YouTube पर सर्च कर लो और इंडिया के सारे डेस्टिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लो ताकि आप अगर कभी भी इन डेस्टिनेशन पर ट्रेवल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और शुरू करते हैं कश्मीर का यह बहुत ही अच्छा टूर पैकेज। आइए दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको मैं कश्मीर का पैकेज बताने वाला हूं जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में वैलिड है। 6 नाइट 7 डेज का एक पैकेज है। उसके साथ साथ आपको कॉस्ट भी बताऊंगा और होटल के बारे में बताऊंगा। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स और प्रीमियम, जो भी आप चाहते हैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। दोस्तों यही सेम पैकेज आपका हनीमून कपल्स के लिए भी है, कोई अलग से फैसिलिटी नहीं है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हनीमून कपल इस साल मनाली के बाद कश्मीर ही गए हैं। इतना सेफ एंड सिक्योर है, अगर आप प्लान बना रहे हैं तो मनाली से बेहतरीन आपको सुविधाएं कश्मीर में मिलेंगी और जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो तो एट पार होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में बस करके रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर पॉकेट अलाउ कर रही है तो हनीमून के लिए खास करके आप कश्मीर जरूर हो करके आए। आइए दोस्तों आपको चालू करते हैं 6 नाइट 7 डेज का पैकेज में। आपको स्टे 2 नाइट का मिलेगा श्रीनगर में, 1 नाइट का सोनमर्ग में, 2 नाइट का पहलगाम में और 1 नाइट श्रीनगर की हाउस बोट में आपको स्टे मिलने वाला है। होटल के बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं, स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर श्रीनगर में आपको होटल के स्टे मिलेगा, होटल ट्राइडेंट के अंदर या होटल विला में। सोनमर्ग के अंदर नो स्टे मिलेगा आपको, श्रीनगर से चलेंगे सोनमर्ग घूम करके वापस श्रीनगर आ जाएंगे, उसके बाद पहलगाम में होटल स्पैरो और हाउस बोट जो आपको श्रीनगर में मिलेगी वो आपको मिलने वाली है लेक ऑफ क्राउन हाउस बोट या ऐसे सिमिलर। डिलक्स को आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप आ जाइए सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी को भी स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। रेट्स में आपको बताया जा रहा हूं पर कपल के अकॉर्डिंग ये रेट्स होने वाले हैं। दोस्तों सीजन के ये रेट हैं, नॉन सीजन में ये कम हो जाते हैं। अगर आप मेरे पिछले पैकेजेस को देखेंगे तो 4 नाइट 5 डेज के पैकेजेस हैं और सीजन में उसका रेट है 8,250 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे आपको मैं पर कपल का रेट बता रहा हूँ 29,000 रुपये। ये पैकेज श्रीनगर से स्टार्ट होकर के श्रीनगर पे खत्म हो जाता है, इसलिए इसमें कोई भी फ्लाइट या ट्रेन की टिकट इंक्लूडेड नहीं है इस कॉस्ट में। डिलक्स पैकेज 36,000 का है, सुपर डिलक्स है 42,500, 1 कपल 50,000 का है। प्रीमियम जो भी आपकी पॉकेट में सूट करता है आप उस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। आइए आप डिटेल आइटनरी को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डे आप आएंगे फ्लाइट से या ट्रेन से, जहां भी आप पहुंचेंगे आप बता दीजिएगा, मैं आपको फ्लाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप अराइवल करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे,
वहां पर आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाकर के पिकअप करेगा, पिकअप करके ड्रॉप करेगा होटल के अंदर। वहां पर आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और रेस्ट करने के बाद आप इंजॉय करिए श्रीनगर का मुगल गार्डन, जिसमें कुछ उसके अलग अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा निशंत द गार्डन ऑफ डिलाइट, शालीमार द गार्डन ऑफ लव, चश्मा शाही द रॉयल स्प्रिंग, आप इसे एंजॉय करिए। इवनिंग में वापस आ जाइए श्रीनगर होटल के अंदर अपने, और ओवरनाइट स्टे करिए इस होटल के अंदर। ये आप पढ़ सकते हैं, ये फीचर है इस दिन घूमने के लिए। अब चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट डे टू की आइटनरी आपको बता देते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस पूरे टूर के अंदर। दोस्तों, कश्मीर में जो सबसे फेमस डेस्टिनेशन है वो गुलमर्ग है, और गुलमर्ग के अंदर बहुत बहुत सारी स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। आजकल तो वहां पर गेम्स भी चल रहे हैं, गेम्स का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है वर्चुअली। तो वहां पर आप अगर अब जाते हैं तो खेलो इंडिया गेम्स भी वहां पर चल रहे हैं आजकल गुलमर्ग के अंदर। और गुलमर्ग में वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट रोप वे भी है गंडोला राइड के नाम से, जो जाकर के आप अपनी कॉस्ट पे एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। श्रीनगर, गुलमर्ग और श्रीनगर, ये साइटरी होने वाला है। ब्रेकफास्ट आप करेंगे इस दिन, निकल जाएंगे गुलमर्ग की साइट पर, उसके बाद आप चेक इन करेंगे होटल में। होटल में चेक इन करने के बाद रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए गुलमर्ग को। द मीडो ऑफ फ्लावर 56 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। और इसके बाद और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं। इसमें आप चेरी वैली, एप्पल वैली, तनमर्ग, गोल्फ कोर्स, जय जय लक्ष्मी मंदिर, वालनट फील्ड, राइस फील्ड, ये सब जगह आप घूम सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ डे 3 के बारे में क्या इटनरी है। डे 3 में आप श्रीनगर से चलेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, और उसके बाद आप वहां पर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल जाएंगे पहलगाम। पहलगाम की यात्रा आपकी हो लगभग 95 किलोमीटर की यात्रा है, 2400 मीटर अबव है सी लेवल से। द टाउन ऑफ पहलगाम विलेज ऑफ शेफर्ड के नाम से जाना जाता है, और इसमें आपको जो व्यू मिलेंगे वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग होने वाले हैं। एल्पाइन पीक्स हैं, द लीडर है शेषनाग रिवर टम्बलिंग डाउन द पिचेस्क्यू, बहुत बहुत चीजें हैं घूमने के लिए पहलगाम के अंदर। हाइलाइट्स क्या क्या हैं, सेफ्रॉन वैली, मट्टन मंदिर, बैट फैक्ट्री, एप्पल वैली, लीडर रिवर, अवंतीपुरा रुइंस, राफ्टिंग पॉइंट, ये सब जगह आपको ले जाया जाएगा इस दिन। आइए अब चलते हैं डे 4 की आइटनरी पर। डे 4 की आइटनरी में आप चलेंगे पहलगाम। पहलगाम में कैसे आप पहुंचेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकलेंगे पहलगाम के लिए। यहाँ पर आपको रिजॉर्ट आपको मिलेगा, और रिजॉर्ट के चारों तरफ बहुत सारे प्लेसेस हैं इंटरेस्ट के, जैसे बायसरान, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आड़ू, यहाँ पर आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोकल यूनियन कैब को भी हायर कर सकते हैं, पोनी राइड कर सकते हैं आप डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट 5th डे पर लेकर के चल रहे हैं, पहलगाम से श्रीनगर। इस दिन आपका ट्रांसफर होगा ब्रेकफास्ट करने के बाद। श्रीनगर के लिए आप निकल जाएंगे, विजिट करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे हजरत बल, शंकराचार्य टेम्पल, जामा मस्जिद, परी महल, इन सब जगहों पर आप जाएंगे। और इसके बाद ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देते हैं, एंजॉय करेंगे 1 घंटे की शिकारा राइड डल लेक में, जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद डे 6 की बात कर देते हैं, श्रीनगर से सोनमर्ग, जिसे सोनामर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन फुल डे का आपका टूर होगा। सोनमर्ग का 87 किलोमीटर है श्रीनगर से, 3 घंटे की जर्नी है, 2500 मीटर अबव है सी लेवल से, और बहुत कुछ है घूमने के लिए यहाँ भी। हाईलाइट्स आपकी हैं सिंध रिवर, एप्पल वैली, फिशिंग पॉइंट, राफ्टिंग पॉइंट, गंगागीर, वाले कड़ाल, इन सब जगहों पर आपको घूमने को मिलेगा। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रेवल पार्टनर के नंबर पर आप कॉल करिए, पैकेज बुक करवाइए अगर बुक करवाना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और उससे पहले पूरी जानकारी आप हासिल कर लीजिए। हो सकता है मुझसे 1-8 पॉइंट कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। पूरी डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के टाइटल में जैसे मैंने बताया नंबर पर जाकर के कॉल करें ट्रैवल कंपनी को, और जा करके आप बुक करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं 7th डे की। आपको डिपार्चर किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पे। इसके लिए आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा सुबह सुबह, और ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पे आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस पैकेज की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन फैसिलिटी, 1 डबल शेयरिंग रूम,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी एमएपी प्लान के बेसिस पे ब्रेकफास्ट डिनर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। इस पैकेज में जो भी मैंने आपको चार्ज ऊपर बताए थे स्टार्टिंग वीडियो के, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। पिकअप ड्रॉप आपको मिलेगा श्रीनगर एयरपोर्ट से। ये टॉक टैक इसमें टूर में ये कॉस्ट में एक्सक्लूडेड है, वो आप देख लीजिए। ट्रेन फेयर, एयर फेयर, एनी मील जो इसमें नहीं बताया गया, एक्सपेंस, टेलीफोन कॉल्स, लॉन्ड्री, लिकर एक्सेट्रा, गाइड, एंट्रेंस फीस, ड्यूरिंग साइट्स, ये सब चीज़ों की कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पेमेंट पॉलिसी ये रही, कैंसलेशन पॉलिसी ये है, और बुकिंग कराने के लिए मैंने बताई दिया, वीडियो के टाइटल में जाकर के आप बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पैकेज अच्छा लगा होगा, और आप भी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी को कैप्चर करने के लिए कश्मीर घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।